guys, go to my channel and subscribe and press the bell icon button. Hey guys, what's up? Welcome in my channel. My name is Soro. और आज हम सीखेंगे कुछ और नए वर्ड्स. कुछ हमने पहले वाली वीडियो में देखे थे. आज हम डबल वोवल से नए वर्ड बनाएंगे कॉन्सोनेंट्स के साथ. तो देखते हैं. क्यू, ये डबल वोवल है. ये किससे बना है? ओ से बना है. ओ से, यो. ओ से बना है यो. ये था ख. क्यू, क्यू, क्यो, क्यो सा, क्यो सा. क्या बोलते हैं इसको? क्यो सा, क्यो सा बोलते हैं. क्यो सा अध्यापक को बोलते हैं. अध्यापक, टीचर. अब क्यो सा देख लिया हमने. किताबों को क्या बोलते हैं? ये भी सेम है जैसे क्यो. क्यो, क्यो जे, क्यू जे, क्यू क्यू जे. ये मैं आपको बताता हूँ, ये ना चाइ कोरियन, जो कोरियन के बहुत सारे जो वर्ड है ना वो आए हुए हैं चाइना, चाइना की लैंग्वेज से आए हुए हैं. तो जो ये ख्यो वाला जो ये है ना, ये ख्यो, ये वाला जो ख्यो है, ये एक तरह से चाइना का वर्ड है. तो इस चाइना के वर्ड से ही ख्यो का मतलब होता है एक तरह से पढ़ाई लिखाई, जैसे क्या बोलते हैं हम, एजुकेशन टाइप में. तो इस ख्यो में अगर सा मिला देते हैं हम तो टीचर बन जाता है. इस ख्यो में छ मिला देते हैं तो एक ख्यूजे. किताबें बन जाती है, नोटबुक्स, नोटबुक, ख्यूजे. नेक्स्ट देखते हैं यागू. यागू, यागू को क्या बोलते हैं? यागू बेसबॉल जानते हो आप? बेसबॉल, यागू को बेसबॉल बोलते हैं. बेसबॉल, बेसबॉल. ख्योसा, ख्योजे, यागू. तो और क्या हो सकता है? उयू, उयू, उयू क्या हो सकता है? उयू, 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 उयू. मीन्स उयू का मतलब होता है मिल्क. उयू को बोलते हैं मिल्क. लड़की को क्या बोलते हैं? योजा, योजा मीन्स लड़की. गर्ल बोले तो लड़की, योजा. खाने को क्या बोलते हैं? खाने को बोलते हैं यूरी, बोले तो फूड. यूरी क्रीगो तो वो सीगे. यूरी सीगे, यूरी किसको बोलते हैं? मिरर. शीशे को बोलते हैं यूरी. और सीगे बोलते हैं वॉच, वॉच. सीगे बोले तो वॉच, 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 घड़ी. घड़ी को बोलते हैं हम सीगे. ईयू, ईयू, ईयू बोलते हैं एक तरह से कॉज, मतलब कारण, कि भाई क्या कारण था. तो ईयू मोएस, ईयू, ईयू. देखो ई, देखो यहाँ पे भी ये क्या है, वोवल था ये ई, ये वाला ई था ये ई. ये कभी भी अकेला, मैंने कहा था कि अकेला ही लिखा जाएगा. जब भी अकेले उसमें अगर वर्ड बनाएगा तो इसके आगे ये लिख जाएगा ई. और देखो यहाँ पे भी वोवल है जो नीचे वाला, ये वाला जो स्वर है इसके, ये भी किसके साथ आया है? उन के साथ आया है. तो ये एक तरह से ये वोवल, वोवल से ही बना है. देखो
ना कोरियन में ऐसे वर्ड हैं जो वोवल वोवल से बनते हैं. अपनी हिंदी लैंग्वेज में कोई भी ऐसा वर्ड नहीं होगा जो सवर सवर से बनता होगा, वोवल वोवल से भी. अकेला अकेला अगर आप देखेंगे जो ये वोवल लिख दिया हमने, इसका भी एक मीनिंग है. इसका मतलब होता है टू, दो, ई, ई, खाली ई का मतलब होता है दो. ओके गाइस, ह्यूजीथुन, ह्यू जी, ह्यूजीथुन, ह्यू जी थुंग, ह्यूजीथुन, इसको बोलते हैं हम डस्टबिन. सॉरी, डस्टबिन, डस्टबिन को बोलते हैं हम ह्यूजीथुन. क्यू जे मैंने आपको क्या बोला था, क्यू भी जो भी हम एजुकेशन के वर्ड है वो सबसे ज्यादा बनेंगे. क्यू सिल, ये वाला ल है, ल, ये वाला है क्यू सिल. क्लास को क्यू सिल बोलते हैं, क्लास रूम को क्यू सिल. क्यूयुक, क्यूयुक, क्यूयुक को बोलते हैं एजुकेशन. पढ़ाई लिखाई को बोलते हैं हम एजुकेशन, सी ए एजुकेशन. क्यूयुक, क्यूसिल, तो ह्यूजीथुंग. अभी तक इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक के लिए अगर आपने मेरी पहली इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसको भी ज़रूर देखें, उसमें मैंने बहुत सारे नए नए वर्ड सिखाए हैं, तो इसमें और भी आपको अभी पता चला है. तो नेक्स्ट टाइम और हम दूसरे नए वर्ड देखेंगे. तो गाइज, अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें. मेरे को कमेंट करते रहिए कि आपको कहीं पे अगर प्रॉब्लम है. आई विल ट्राई टू बी माय बेस्ट. सो गाइज, सी यू नेक्स्ट टाइम, और तब तक के लिए बाय बाय.